हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग थंबनेल में देखा होगा, इस पिक्चर को देख रहे हैं गणेश जी का। हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि फर्स्ट जो पार्ट था, जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पार्ट में हम आप सबको बताए हैं कि इसका आउटलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में हम आप सबको बताए हैं इसको फिनिशिंग कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हम पूरा डिटेलिंग फिनिशिंग पार्ट 3 में आप सबको दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके। यहाँ पे बनाने में तीनों वीडियो को एक साथ बताते तो हर एक चीज़ आप सबको अच्छे से बता नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में डिवाइड करके इस पिक्चर को बनाएंगे और इस तरीका से YouTube पे आप सब के लिए अपलोड करेंगे। तो मैंने इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसको वीडियो बना करके मिक्स करके यहाँ पे मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 आप सब नहीं देखे हों तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1, पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 हम आप सबको दिखा रहे हैं यहाँ पे किस तरीका से हर एक चीज़ को डिटेलिंग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हर एक यहाँ पे मुकुट हो गया, इसमें का गहना हो गया, हर एक चीज़ को डिटेलिंग करके हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि वाइट कलर का यूज करके हम लोग यहाँ का ज्वेलरी बना रहे हैं, उसके पहले हम ब्राउन का अप्लाई कर लिए हैं। ब्राउन के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट से डिनोट करके हम यहाँ पे वाइट कलर का हम यहाँ पे गहना बना रहे हैं, उसका स्टोन से वाइट कलर का स्टोन बना बना कर यहाँ पे गहना बना रहे हैं, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसी तरीका से करके एकदम छोटे छोटे पार्ट को ध्यान देते हुए पूरी अच्छे से डिटेलिंग किया गया है, जो कि यहाँ पे मैंने सोचा इस पिक्चर को थोड़ा चेंज करके बनाया जाए। जैसे कि हमेशा गहना बनाया जाता है गोल्डन टाइप का, जितना ज्वेलरी होता है गोल्डन टाइप का होता है, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जितना ज्वेलरी है इसको वाइट टाइप से बनाएंगे, वाइट कलर का दिखेगा। जैसा भी बनाएंगे इसको वाइट टाइप का दिखना चाहिए। मैंने सोचा कि जो यहाँ पे गहना है उसके जो मोती हैं उस सभी चीज़ को ब्लैक कलर से सबसे पहले कर देते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन टाइप का बना के यहाँ पे वाइट से इस गहना को बना रहे हैं। तो इसमें जो भी छोटा छोटा स्टोन दिखाई दे रहा है इसको 2-3 कलर का स्टोन दिए हैं, जैसे कि रेड रेड हो गया और ग्रीन हो गया, इस तरीका से करके उसके बाद जितना सारा पार्ट बचा है सभी चीज़ को मैंने वाइट कलर का यूज करके छोटे छोटे पॉइंट से मैंने इस छोटे पॉइंट से और 3 नंबर का पेंसिल से इसको अप्लाई करके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को मैंने ध्यान देते हुए पूरे पिक्चर को बनाया है। आई होप कि आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले कि किस तरीका से डिटेलिंग किया जाता है और किस तरीका से बनाया जाता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऐसे ही वीडियो आप सबको हमेशा अपलोड करते रहेंगे, बनाते रहें, यहाँ से कुछ ना कुछ सीखें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मिलेंगे, आप सबके डिमांड पे। आप लोग डिमांड करिए किस चीज़ का वीडियो चाहिए, उस चीज़ का मैंने वीडियो अपलोड कर देंगे, आप सबको बना देंगे। उसको सिंपल वे में चाहिए तो सिंपल वे, शॉर्ट वीडियो चाहिए तो शॉर्ट वीडियो, किस तरीका से आप लोग संतुष्ट हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आप सबके लिए हम वीडियो बना के इसमें यूट्यूब पर अपलोड कर दें। इसी चैनल पर अश्विनी कुमार आर्टिस्ट वाला जो चैनल है इसी पर हम अपलोड कर दें। आई होप कि आप सबको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, किस तरीका से हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे वाइट कलर का अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा कलर का अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग सिर्फ डिटेलिंग देखेंगे किस तरीका से डिटेल करके इस सभी पार्ट को मैंने बताया। बैकग्राउंड का भी कंफ्यूजन था किस तरीका से बैकग्राउंड को करें, तो मैंने सोचा कि बैकग्राउंड को पूरे रेड कर देते हैं और उसके बाद से ब्लैक कलर से साइड से मिक्सिंग कर देते हैं अंदर की तरफ। इस तरीका से पता चलेगा कि हमारा जो भी गणेश भगवान का मूर्ति है उस पे रोशनी आ रहा है अंदर से रेड टाइप का और बाहर से अंधेरा है, उस तरीका से रोशनी खिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले पूरी तरीका से इसको रेड कर देते हैं जो भी बैकग्राउंड में बचा हुआ है, जब ये पूरी तरीका से कंप्लीट रेड हो जाता है उसके बाद से साइड साइड से हम बॉर्डर जैसा ब्लैक अप्लाई करेंगे और जब ब्लैक अप्लाई कर देते हैं तो उसको फिनिशिंग करने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ मिक्स कर देंगे। जैसे आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग का रेड जो अप्लाई किए थे रेड कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बस नीचे वाला बचा हुआ है, इसको भी हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा कलर का वाइट रेड कलर का अप्लाई करके यहाँ पे भी रेड कलर का जो भी पोर्शन था इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर का अप्लाई करेंगे जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हो। चलो यहाँ पे हम लोग चारों तरफ से मिक्स कर दिए, अब यहाँ पे हम लोग
ब्लैक कलर का अप्लाई करेंगे। उसके पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट बचा हुआ है इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, नहीं तो क्या होगा ब्लैक कलर से मिक्स करेंगे तो हो सकता है इसमें मिक्स हो जाए, और ऊपर से ये जो रेड कलर है पूरी तरीक़े से अभी सूखा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले यही कर लेते हैं। तो मैंने उसको छोड़ के इसको कम्प्लीट कर रहे हैं। ये जब हो जा रहा है ये चारों तरफ से अभी सूख रहा है, तब तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पेंट जो होता है जल्दी सूखता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो बाकी एरिया है उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम रेड अप्लाई करके एकदम रोशनी के तरह यहाँ पे मिक्स करके बना देंगे गणेश जी को। और एक और बात, जब ये पूरी तरीक़े से फिनिशिंग हो जाता है तो आप सबके लिए गार्निश का यूज करके इसका शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो कि गणेश भगवान को पूरी तरीक़े से कम्प्लीट करने के बाद अगर इतना सुंदर लगता है गणेश भगवान का पिक्चर बनाने के बाद, अगर गार्निश का यूज कर देते हैं एक पतला सा प्लास्टिक का लेयर आ जाता है शीशे की तरह, तब कैसा लगेगा ये। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिस तरीक़े से पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास गार्निश का जो हम लोग अप्लाई करके अपलोड किए हैं तो ये गणेश भगवान का पिक्चर किस तरीक़े से दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ग्रिड मेथड का यूज कैसे किया जाता है ये सब चीज़ का वीडियो आप सबको बता देंगे किस तरीक़े से बनाया जाता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा हो। आप लोग यहाँ से देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और यहाँ से हम म्यूजिक आप सबके लिए लाउड कर देते हैं, जिस तरीक़े से आप सब अच्छे से म्यूजिक आनंद लेते हुए गणेश भगवान का मूर्ति को पोर्ट्रेट को बनाना सीख जाइएगा। उसके बाद हम लोग आपको लास्ट में मिलते हैं, किस अपना रिव्यू दीजिएगा किस तरीक़ा से बना किस तरीक़ा से नहीं। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब ये कंप्लीट हो ही गया है तो यहाँ पर क्यों ना अपना नाम लिख दिया जाए। तो अपना नाम भी लिख दिए और यहाँ पर डेट भी लिख दिए। इसको बनाने के लिए हमको 2 दिन पूरी रात लग गया है, 1 दिन आउटलाइन बनाने में समय लग गया है, करीब हमको 2.5 या 3 दिन लग गया इसको पूरी तरीक़े से बनाने में। आई होप कि आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर कर दीजिए। सब ऐसे ही आप सबके लिए डिमांड पर वीडियो आते रहेगा, जिस तरीक़े से आप सबको ये सब चीज़ रिव्यू करके दिखा दे रहे हैं, जो कि अभी ये पेंट थोड़ा सा गीला है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा होगा। आई होप कि आप सबको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये रिव्यू का आनंद लें, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।